हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लाया हूं। दोस्तों आज हमारे पास होंडा की स्टिनर बाइक है जो कि काफ़ी मिसिंग कर रही है, और ये हमारे आज साथ में दीपक भाई हैं। वो दीपक भाई ने काफ़ी लोगों को दिखाया, फिर मेरे पास लेके आए तो वो फॉल्ट दूर हो चुका है। तो दीपक भाई ने क्या क्या करवाया वो बताते हैं दीपक भाई खुद। मैं इस गाड़ी से बहुत परेशान हुआ था और इसमें बहुत मिसिंग कर रही थी बाइक, और हर जगह दिखाया लेकिन ये बनी नहीं। सारे कारीगर बोल रहे थे कि इसमें कार्बोरेटर ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है कह रहे थे, लेकिन बन नहीं पा रही थी। तो आज भी ऐसे ही हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि इसमें कार्बोरेटर ही ख़राब है। तो मैंने सोचा कि एक बार एफरोज भाई के पास जाएं, तो एफरोज भाई ने हमारा इस गाड़ी का फॉल्ट पकड़ा और आज भी गाड़ी एकदम टनाटन हुआ। तो आप चल के वीडियो देखो मैंने क्या किया है उसमें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो स्टिनर हमारे पास ये है, चाबी मैंने ऑन कर दी है, अभी मैं इसका सेल्फ मारता हूँ। इस तरीके से गाड़ी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इसका एक्सीलेटर लूँगा तो कुछ इस टाइप का कर रही है। ये आप देख रहे हैं कि एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही है, एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही है। एक बार मैं दोबारा और बंद करता हूँ बाइक, जैसे कि अभी मैंने बाइक बंद कर दी है, फिर मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं इसका फुल एक्सीलेटर लेता हूँ, एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं ले रही है। ठीक है, एक्सीलेटर नहीं ले रही है बिल्कुल भी। अभी एक्सीलेटर ले रहे हैं, गाड़ी बंद हो जा रही है। कहने का मतलब ऐसा हो रहा है कि हम इसको गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी बंद हो जा रही है। इससे पहले मैंने इसका कार्बोवेटर खोला था, यहाँ पर कार्बोवेटर रहता है, कार्बोवेटर इसका मैंने क्लीन कर दिया। स्पार्किंग प्लग भी मैंने ठीक कर दिया है इसका, और जो इसका स्पार्किंग प्लग में जो करंट आता है, करंट भी मैंने अच्छी तरह चेक कर दिया है। तो लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये वाले बोल्ट ढीले किए। जब हमने इसके साइलेंसर वाले बोल्ट ढीले किए, जब हमने इसकी बाइक चलाई, ये वाली बाइक चलाई, तो बाइक काफ़ी इसने पिकअप पकड़ा और एक्सीलेटर बहुत अच्छी तरह इसने पकड़ा गाड़ी ने, और अच्छी तरह भागने लगी। तो अभी हमने अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा कचरा है। कहने का मतलब जो यहाँ पर साइलेंसर है, साइलेंसर में काफ़ी कहने का मतलब ऑयल भरा है इसमें, काफ़ी ऑयल खरीदी गाड़ी। मैं आपको कपड़ा दिखा के कपड़ा डाल कर दिखाता हूँ कि कितना ऑयल है इसमें। अभी आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक पेपर है, और ये बहुत पतला पेपर है, ठीक है, जो पैकिंग में निकलता है ये उस टाइप का पेपर है। इसको अभी मैं बाइक स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर इसको लगाऊंगा, देखूंगा कि स्टार्ट करने के बाद में ये पीछे को भागता है कि नहीं भागता है। इसका जो मूवमेंट है, साइलेंसर से जो हवा आती है, ये पीछे को आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बाइक स्टार्ट करता हूँ, बाइक स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि ये पीछे को आता है या नहीं। जैसे कि आपने देखा कि ये पीछे को बिल्कुल भी नहीं आया, और कहने का मतलब ये है कि बाइक हमारी बंद हो गई। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं साफ़ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं और क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास एक पेचकस है और ये कपड़ा है, इसके अंदर मैं डालूँगा पूरा, इस तरीके से इसको मैं डाल दूँगा पूरा, इसको इस तरीके से मैं, आप देख रहे हैं कि पूरा मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी कार्बन यहाँ पर आया है, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी कार्बन निकाला है। और अभी क्या करना है हमने, क्योंकि इसके अगर हम साइलेंसर साफ़ करते हैं तो उसके लिए हमें कटिंग करना पड़ता है। तो हमारे पास दीपक भाई आए हैं तो इनको समय ना होने के कारण, तो अभी क्या करना है हमने, यहाँ पर इसको छेद बना देना है। इस जगह पर मैं छेद करने वाला हूँ, सुम भी मेरे पास है, तो फटाफट मैं छेद करता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं हम गाड़ी स्टार्ट। तो अभी मेरे पास सुम्बी है, ये ठीक है सुम्बी है, इस सुम्बी को मैंने प्लास से पकड़ दिया है, और इस तरीके से यहाँ पर मैं इसमें छेद बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं छेद बनाऊँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर छेद हो चुका है, थोड़ा नज़दीक करके दिखाओ, यहाँ पर छेद हो चुका है, और एक छेद ठीक यहाँ पर बनाऊँगा। इसी तरीके से मैं छेद बना देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने चार छेद बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर चार छेद मैंने बना दिए हैं। और अगर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर छेद कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा साइलेंसर जाम है तभी आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है, चल नहीं रही है, काफ़ी कारण होते हैं, कार्बोरेटर की प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैंने इसमें छेद कर दिया है, और अभी हम क्या करते हैं, इसकी बाइक स्टार्ट करते हैं। बाइक स्टार्ट करने के बाद में देखते हैं कि जो पेपर हमने लगाया था वो पीछे को जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे आपने देखा कि बाइक मैंने स्टार्ट करी और ये वाला पेपर काफ़ी पीछे जा रहा था, और आपने देखा होगा कि कार्बन भी काफ़ी आ रहा था। अभी एक बार दोबारा हम और बाइक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कार्बन कितना बाहर निकलता है।
आपने साइलेंसर पे से देखा कि कितना कार्बन आया है यहाँ पर, पीछे साइड को कितना कार्बन पहुँच चुका है। तो ये सारा कुछ इसमें जमा था, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जमा था। अभी काफ़ी अच्छी गाड़ी हो चुकी है, काफ़ी अच्छा पिकअप होगा इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिल